हेलो एवरीवन, तोशी कुक्स पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोहन थाल। मोहन थाल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ, या आप कह सकते हैं 250 ग्राम बेसन। अब इसे हम छलनी में से छान लेते हैं। छलनी से छान लिया है पूरा बेसन। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून पिघला हुआ घी और साथ ही 3 टेबलस्पून दूध डाल देंगे। अब इसे दोनों हाथों से रब करते हुए 5 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। ये यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। अब इसे हम छलनी से छानेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सी को हमें बस 2-3 सेकंड के लिए ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो यह पाउडर बन जाएगा और हमें ऐसा दानेदार बेसन चाहिए। यहाँ पे मैंने 3/4 कप पिघला हुआ घी लिया है, इसे बेसन में मिलाएंगे और अब इसे मैंने आँच पे रख दिया है पैन को। बेसन को हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। आप चाहें तो लो फ्लेम पर भी इसे भून सकते हैं। इसे हम अभी भी लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसका थोड़ा डार्क कलर ना आ जाए। बेसन की मिठाई में अगर बेसन को अच्छे से ना भुना जाए तो मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब बेसन ने यहाँ पर घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। देखिए बेसन अब भून चुका है, इसका कलर डार्क हो गया। इस प्रोसेस में मुझे 10 मिनट लगे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगे। अब इसमें हम 3/4 कप दूध ऐड करेंगे, लेकिन दूध हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए स्टार्टिंग में ये कैसे फूलना स्टार्ट हो गया, बेसन बहुत ही हल्का हो गया है। यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है, लेकिन अभी हमें चलाना बंद नहीं करना, इसे लगातार चलाते रहिए क्योंकि पैन अभी हमारा गर्म है और बेसन नीचे से जल सकता है। अभी एक पैन में हम 1 कप चीनी डालेंगे और 3/4 कप पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर कोकोनट शुगर लिया है, आप वाइट शुगर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्लेवर के लिए छोटी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। ये 3 इलायची को मैंने कूट के लिया है। उबाल आने के बाद हमें इसे सिर्फ 2 या 3 मिनट तक ही पकाना है क्योंकि हमें सिर्फ स्टिकी सिरप चाहिए, हमें तार की चाशनी नहीं चाहिए। देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। इसे हम बेसन के मिक्सचर में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, अब इसे हम आँच से उतार लेते हैं। ये एक मैं कंटेनर ले रही हूँ जिस पर मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। इसे देसी घी से ही ग्रीस करेंगे। अब इसमें हम अपना मिक्सचर डाल देते हैं और इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। उसके ऊपर से मैं पिस्ता और काजू लगा रही हूँ, आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा हम प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। पहले से हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 30 मिनट बाद यह अच्छे से सेट हो गया है। चांदी का वर्क लगा देते हैं इस पर।
अब इसे अपने मनपसंद आकार के पीसेज में काट लें। ये देखिए कितने अच्छे पीसेस निकले हैं मूंग दाल के। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी और प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।